हेलो एवरीवन, आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक्नो प्रशांत पे। और मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ आज एक फ्रेश और कमाल की अनबॉक्सिंग अपने चैनल टेक्नो प्रशांत पे। दोस्तों तो हमारे पास में जो ये है फोन वीवो का V21, जो कि आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में, वीवो V21 है, मेड इन इंडिया। दोस्तों क्या कुछ डील पड़ी है, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज साथ में ये फोन है जो हमारे पास डस्ट ब्लू कलर में। आगे अनबॉक्सिंग में मैं आपको दिखाऊंगा कैसा कुछ कलर है और क्या कुछ इसमें हमको शानदार चीजें देखने के लिए मिलती है। वैसे ये वर्ल्ड का 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो कि OIS के साथ में आता है दोस्तों। और जो डील है हमको 16,190 रुपए में ये फोन पड़ा है, तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हमको ये फोन 16,190 में पड़ा दोस्तों। तो चलिए फटाफट से दोस्तों अनबॉक्सिंग की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या फिर आपने हमारे चैनल को पहले देखा हुआ है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा देखने के लिए दोस्तों मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारे पास Vivo V21 का बॉक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है Vivo V21 और पीछे कुछ दिया गया डिटेल जो कि आप ये देख सकते हैं। 44 मेगापिक्सल OIS नाइट सेल्फी जो कि दी गई है, अल्ट्रा स्लिम मैट ग्लास दिया गया डिजाइन, 64 मेगापिक्सल का OIS बैक कैमरा में भी दिया गया है, नाइट कैमरा जो कि है मेड इन इंडिया फोन है। और इस फोन का जो डिस्प्ले साइज वगैरह है सब, फोन का डब्बा फटाफट से ओपन करते हैं उसके बाद में सब कुछ आपको बताएंगे ही। तो चलिए इसकी जो सील है, तो सबसे पहले इसका जो पेपर पॉलिथीन लगा हुआ है इसको निकाल देते हैं, और इसको निकालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सील है। तो इसको सील को हम एक बारी के लिए ब्रेक कर लेते हैं। तो सील को ब्रेक करने के बाद आप देख सील जो हमारी है वो ब्रेक हो चुकी है फाइनली, और अभी हम बॉक्स को ओपन करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या रखा हुआ है Vivo V21 के बॉक्स में। तो जो हमारी सील है वो ब्रेक हो चुकी है, तो एक बारी के लिए इसको साइड में रखते हैं। सबसे पहले ऊपर हमारे पास फोन ही रखा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर फोन रखा है, तो फोन को एक बारी के लिए इसको साइड में रख लेते हैं। वैसे बहुत पतला फील हो रहा है, बहुत ज्यादा स्लिम लग रहा है फोन। उसके बाद में यहाँ कुछ स्टिकर्स वगैरह यहाँ पे दिए गए, फोन पे कुछ भी नहीं चिपकाया गया, तो ये काफी अच्छी बात है। और यहाँ पे एक TPU केस दिया गया इसके नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम इजेक्टर टूल दिया गया है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिए गए हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो कि यहाँ पे दिया गया है, कुछ अलग ही दिया गया क्योंकि हर फोन में देखने के लिए नहीं मिलता है। तो और यहाँ पे Vivo की बैजिंग, तो इसको भी रख देते हैं एक बार के लिए साइड में। और ये जो कवर है कुछ ऐसा है जो देख सकते हैं आप, ठीक ठाक है, काफी अच्छा भी नहीं है और खराब भी नहीं कह सकते हैं। और ये जो चार्जर है आप देख सकते हैं 33 वाट का Vivo का फ्लैश चार्जर है, जो कि आप यहाँ पे रेटिंग्स वगैरह अगर आपको क्लियरली मेंशन हो रही होगी तो रेटिंग वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। 33 वाट का फास्ट चार्जर फ्लैश चार्ज 2.0 के साथ में आता है, और ये USB A to USB C केबल दिया गया, ये भी काफ़ी अच्छी एक बात है। और यहाँ पे आपको 3.5mm का ऑडियो जैक देखने के लिए नहीं मिलता है, बट ईयरफोन्स यहाँ पे इंक्लूड करे गए हैं, और साथ ही एक डेटा केबल भी दिया गया USB Type C टू 3.5mm ऑडियो जैक। इसको एक बार के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप ये देख लीजिए USB Type C टू 3.5mm ऑडियो जैक का डेटा केबल भी आपको इसमें दिया गया साथ में, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे तो ये हो गई सारी की सारी डिटेल्स इस फोन के बारे में। तो चलिए इस डब्बे को हम साइड में रख लेते हैं और चलते हैं अपने मेन फोन की तरफ। आप ये देख सकते हैं काफी ज्यादा स्लिम ऐसा लग रहा है हाथ में पकड़ने पे कि आपने काफी ज्यादा हल्का और काफी ज्यादा स्लिम फोन अपने हाथ में होल्ड करके रखा है। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर का है जो कि डिस्प्ले दिया गया, तो आप ये देख सकते हैं एक बारी के लिए। कलर देख लीजिए ब्लू कलर में, डस्ट ब्लू कलर में काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। जो इसका बॉक्स है उसी के मिलता जुलता ये कलर है, तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और हाथ में पकड़ते टाइम ये तो काफ़ी ज़्यादा एकदम मस्त फील हो रहा है, और नीचे ऊपर सब फ्लैट जो डिज़ाइन है एकदम फ्लैट डिज़ाइन दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। तो अब बता देता हूँ पीछे के साइड में, आप यहाँ पे ये देख लीजिए पीछे के साइड में आपको 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है, जो कि फोटोज वगैरह को आपको अच्छी क्लिक कर देगा। तो आप ये देख सकते हैं कैमरा बम्प कितना ज़्यादा बड़ा है। और चलिए फोन को पावर ऑन करते हैं, देखते हैं इसकी बैटरी वगैरह है या नहीं है। तो अभी हमने फोन को पावर ऑन कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 44 मेगापिक्सल का OIS वाला कैमरा दिया गया जो कि सेल्फी कैमरा है। राइट साइड में आपको यहाँ पे पावर लॉक अनलॉक बटन दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर का बटन दिया गया है ऊपर साइड में ही, राइट साइड में ही। और ऊपर के साइड में सेकेंडरी माइक्रोफोन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया गया, अगर आप देख सकते होंगे तो लेफ्ट साइड इसका बिल्कुल क्लीन है। लेफ्ट साइड में कुछ भी आपको यहाँ पे देख लीजिए, लेफ्ट साइड में कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, पूरा का पूरा क्लीन है। नीचे के साइड में आप देख लीजिए यहाँ पे एक आपको जो सिम इजेक्टर यहाँ पे सिम लगा सकते हैं, सिम वगैरह जो कि आप अगर फोकस ले रहा होगा कैमरा तो देख सकते होंगे। तो यहाँ पे सिम वगैरह लगाने के लिए दिया गया है, यहाँ पे बगल में आपको USB पोर्ट दिया गया है, और साथ ही स्पीकर ग्रिल भी दिया गया है। तो चलिए बातों में हमने फोन को सेटअप कर लेते हैं, फोन को सेटअप क्योंकि फोन ऑन हो चुका है, सेटअप करके फिर आपसे मिलते हैं, दिखाता हूँ और क्या कुछ आपको उसमें देखने के लिए मिलता है। दोस्तों हमने सेटअप सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, तो सबसे पहले आपको फिंगरप्रिंट वगैरह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फिंगरप्रिंट कितना तेज और कितना एक्यूरेट काम करता है। तो आप ये देख सकते हैं
अब जैसे ही यहाँ पे हाथ लगाते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट फटाक से काम कर ले रहा है और फेस अनलॉक भी काफ़ी अच्छा है। आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने इसकी तरफ देखा फेस अनलॉक हो जा रहा है और फिंगरप्रिंट तो आप देख ही लीजिए, फिंगरप्रिंट का क्या ही कहना। तो आप ये देख लीजिए फिंगरप्रिंट अपना, फेस अनलॉक भी काफ़ी अच्छे से काम कर ले रहा है और फिंगरप्रिंट भी काफ़ी ठीक ठाक काम कर रहा है। तो सबसे पहले सेटिंग में चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कौन से एंड्रॉयड वगैरह पे ये चल रहा है। तो सेटिंग में आप जाइए, सबसे नीचे आपको यहाँ पे अबाउट फ़ोन में आप चलते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए फन टच ओएस पे चल रहा है ये। 2.4 GHz का है, रैम है 8 GB की और 3 GB का जो आपको एक्स्ट्रा रैम देखने के लिए मिलता है वो है 8 GB का इंटरनल स्टोरेज, एंड्रॉयड 11 पे चलता है और बाकी कुछ यही है डिटेल्स वगैरह। तो इसको बैक करते एक बारी के लिए और ये हो गया इसका डिस्प्ले, 90 Hz का डिस्प्ले दिया गया है। तो डिस्प्ले भी काफ़ी ठीक ठाक है, अगर 120 Hz होता तो हो सकता था काफ़ी अच्छा है, बट 90 Hz है तो आप देख सकते हैं ब्राइटनेस वगैरह भी काफ़ी ठीक ठाक है। तो आप ये देख सकते हैं एकदम ब्राइटनेस लो है और उसके बाद में ये सबसे ज़्यादा हाई ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस भी ठीक ठाक है। और कैमरा जो 44 MP वाला ये दिया गया है और साथ ही पीछे 64 MP के कैमरे का सेटअप दिया गया है। 6.44 इंचेस का जो इसका डिस्प्ले है वो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, फुल एचडी प्लस रेजुलेशन के साथ में आता है। साथ ही 4000 mAh की यहाँ पे बैटरी दी गई है, जो कि एक 33 W का चार्जर भी दिया गया, फास्ट चार्जर। आगे कुछ वीडियोस में हम इसका टेस्ट वगैरह करेंगे कि कैसा कुछ चार्जर वगैरह है, कैसा कुछ चार्जिंग टेस्ट है, कैसी स्पीड है इसकी। स्नैपड्रैगन मीडियाटेक का 800U जो कि 5G प्रोसेसर दिया गया, कैसी कुछ स्पीड उसकी निकल के आती है। तो चलिए जो कैमरा इसका जो मेन हाईलाइट है कैमरा ये है, फ्रंट कैमरा सेल्फी वगैरह। तो बैक कैमरा एक बार सबसे पहले मैं ऑन करता हूँ एक बार के लिए, आप ये देख लीजिए। तो ये जो कैमरे का कुछ सिस्टम है कुछ ये दिया गया है, तो एक बार के लिए इसको हम रखते हैं यहाँ पे और ये देख लीजिए आप। कुछ शॉट्स मैं आपको दिखाऊंगा इसी फ़ोन के, जो मैंने बैक कैमरे और फ्रंट कैमरे से क्लिक करूंगा तो कुछ आपको शॉट में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो बाकी आप ये शॉट जो है आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, जो डिटेल वगैरह काफ़ी अच्छी आई है। तो अलग अलग लाइट कंडीशन में हम इसको टेस्ट करेंगे कि कैसा कुछ इसका रिस्पॉन्स हमको देखने के लिए मिलता है। इसी वीवो V21 का फ़ोन तो काफ़ी अच्छा है, हाथ में पकड़ने में भी काफ़ी ज़बरदस्त फील हो रहा है। और एक बार के लिए बैक कवर भी लगा के देख ही लेते हैं। तो एक बार बैक कवर लगाने के बाद में भी फ़ोन काफ़ी पतला ही रहेगा, आई होप सो, ज़्यादा ऐसा आपको ऑकवर्ड फील नहीं होगा कि आपने काफ़ी मोटा फ़ोन पकड़ा हुआ है, काफ़ी पतला ही आपको फील कराएगा ये फ़ोन। तो आप देख लीजिए बैक कवर लगाने के बाद में भी फ़ोन आपके हाथ में काफ़ी अच्छे से फिट हो जा रहा है, काफ़ी अच्छे से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसका कैमरे का टेस्ट वगैरह कर लेते हैं। जो कैमरा इसकी मेन हाईलाइट है, 64 MP का OIS बैक में भी दिया गया, 44 MP का OIS फ्रंट में भी दिया गया दोस्तों। तो चलिए आपसे कैमरा टेस्ट वगैरह देख के दिखाते हैं कैसा कुछ इसमें फोटोज़ वगैरह आपको देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे कैमरा टेस्ट, कैमरा वगैरह का आप सेटिंग वगैरह कैमरा का टेस्ट देख लीजिए, कैमरे कुछ फोटोज़ देख लीजिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही कोई प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे, ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तो तब तक के लिए दोस्तों कीप स्माइलिंग ऑलवेज, जय हिंद, वंदे मातरम।